हेलो फ्रेंड, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि बॉलीवुड के एक्शन डायरेक्टर रोहित शेट्टी की गोलमाल काफी पॉपुलर फ्रेंचाइजी है, जिसके फैंस को 4 फिल्में देखने को मिल चुकी है और उन्होंने 5वें को लेकर भी एक अपडेट दिया है। रोहित शेट्टी एक बार फिर से गोलमाल फ्रेंचाइजी पर काम करने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, रोहित शेट्टी ने साल 2018 में गोलमाल फ्रेंचाइजी की 5वीं फिल्म गोलमाल 5 की अनाउंसमेंट की थी। उन्होंने कहा, कोरोना के कारण गोलमाल 5 पर काम नहीं हो सका, लेकिन अब वो इस प्रोजेक्ट को शुरू करेंगे। उन्होंने बताया कि पहले वो सिंगम 3 लाने वाले हैं और उसके आते ही या एक साल बाद अजय देवगन के साथ गोलमाल 5 पर काम करेंगे। इस फिल्म में अजय देवगन, अर्शद वारसी, कुनाल, खेमू, शेयर, तलपड़े और तुषार जैसे सितारे कॉमेडी का तड़का लगाते दिखाई देंगे। जी हाँ फ्रेंड, रोहित शेट्टी की फिल्मों का फैंस को काफी बेसब्री से इंतजार रहता है। हाल ही में उनकी फिल्म सूर्यवंशी सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था। रोहित शेट्टी इन दिनों अपने कई प्रोजेक्ट्स में बिजी है। इन दोनों वे सिद्धार्थ मल्होत्रा और शिल्पा शेट्टी के साथ अपनी अपकमिंग वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स की शूटिंग में व्यस्त चल रहे हैं। इसी बीच उन्होंने गोलमाल 5 को लेकर कुछ अपडेट शेयर किए हैं। रोहित शेट्टी की बात करें तो वह इन दिनों टीवी के फेम रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी में नजर आ रहे हैं। वे इस शो को काफी सालों से होस्ट कर रहे हैं। जब रोहित शेट्टी से गोलमाल 5 के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि आंख मारे गाने में जिस तरह से गोलमाल की टीम नजर आई है, वह गोलमाल 5 के लिए हिंट है। तो फ्रेंड्स, ये बात हुई गोलमाल 5 की। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।